गाइस, जब भी आप टीवी पर कोई लाइव स्ट्रीम जैसे कि कोई लाइव क्रिकेट या फिर कोई इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जैसे कि द कपिल शर्मा शो देख रहे होते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि टीवी स्क्रीन पर एक रैंडम सा कोड या फिर नंबर लिखा आता है जो थोड़ा सा क्वाइट इरिटेबल हो जाता है। अब सवाल आता है, इस कोड को क्या कहते हैं और ये टीवी स्क्रीन पर बार बार क्यों आता है? तो जो ये कोड होता है, इस कोड की मदद से कोई भी आपके घर आसानी से पहुंच सकता है। जी हाँ, सिर्फ ये 7-8 नंबर के कोड से कोई भी आपके घर मिनटों में पहुंच सकता है। इस इंटरेस्टिंग से कोड वर्ड को व्यूइंग कार्ड नंबर, शॉर्ट फॉर्म में वीसी नंबर भी कहा जाता है। और ये हर सेट टॉप बॉक्स का डिफरेंट नंबर होता है, यानी कि सेम टाइम पर सारे टीवी पर ये नंबर तो दिखा जाते हैं, पर ये नंबर्स होते सारे टीवी स्क्रीन पर डिफरेंट, यानी कि जो कोड वर्ड आपके स्क्रीन पर है वो दूसरे के स्क्रीन पर नहीं होगा। तो गाइस, अब बात आती है मेन पॉइंट की। तो आप सभी जानते होंगे कि इंडिया में अगर कोई बंदा टीवी से लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड करके अपने किसी भी सोशल हैंडल पर अपलोड करता है तो उसे इलीगल माना जाता है। आसान शब्दों में कहूँ तो अगर आप टीवी से कोई लाइव क्रिकेट रिकॉर्ड करके अपने सोशल हैंडल जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर फेसबुक पर अपलोड करते हैं, तो जितने भी इन्वेस्टिगेटर या फिर ब्रॉडकास्टर्स होते हैं उस कोड वर्ड को देख के आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जैसे कि आईपी एड्रेस, सेट बॉक्स नंबर, यहाँ तक कि जिस फोन से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और आपके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेने की उन्हें पूरी इजाज़त होती है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।